ठंडियों में चलिए मटर की कचौड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ही अच्छी लगती है और टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए हम इसे बनाते हैं। मैंने आधा किलो मटर लिया था जो मैं उसे छील कर एक बाउल में रख ली हूँ और हम इसको बाउल में धुल के साफ़ कर लिए थे। और इस मटर को हटा के मैंने एक लिया है मिक्सी जार, मिक्सी जार में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको थोड़ा हम दरदरा टाइप का मतलब पीसेंगे। इसमें हमने मटर में हम मुझे डालना था हरी मिर्च, मैंने 4 हरी मिर्च लिया है और हम इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, हाथ से ही तोड़ लेंगे। और इसमें डालेंगे हम अदरक का 3-4 टुकड़ा और हम इसको डालने के बाद फिर हम मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करेंगे और इसको हम मतलब एकदम दरदरा पीसेंगे। मैं इसको कढ़ाई ली है, मतलब कढ़ाई पेस्ट में नहीं एक बड़ा पीसना है। चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने डाला उसमें और फिर ऑयल जब मेरा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा, 1 स्पून डालेंगे सौंफ और 1 स्पून डालना है मुझे जवाइन। लेकिन जवाइन दोस्तों मेरे घर पे लगा था इसलिए मैंने ग्रीन वाली जवाइन डाली, पत्ते वाली। और उसके बाद डालेंगे 1 स्पून हींग और हींग तीनों को हम अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम और इसमें हम डालेंगे मटर, जो मैंने मटर को जो ग्राइंड किया था दरदरा पीसा था, मैं उसी मटर को इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूंगी और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और जब मटर को अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसका सारा मतलब जो भी इसमें पानी है सब ख़त्म हो जाना चाहिए, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ऐसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स और एक चम्मच नमक रहेगा और धनिया की पत्ती डालना है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा। आटे को हम आटा डाल देंगे और इसको फिर हम आटे को हम धीरे धीरे मतलब 2 बार में डालना है, 1 बार में नहीं डालना है। और इसको अच्छे से डो तैयार करेंगे और इसका एक अच्छा डो तैयार करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल और ऑयल ऑयल को लगाने के बाद हम इसको टिक्की का शेप देंगे और हम इस तरीके से इसे टिक्की का शेप देंगे और उसके बाद हम इसे सारा बना के एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से सारे ये टिक्की का शेप दिया है और ये मेरा एकदम रेड तैयार हो चुका है। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने कढ़ाई गैस पे कढ़ाई रख दिया है और अब जब तेल एकदम गर्म हो जाएगा और तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसको धीमी आंच कर देंगे और जब इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और मैं इसमें धीरे धीरे हम इसमें सारा डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, जब ये हमारा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको अलग ट्रांसफ़र करेंगे। और देखिए मेरा कितना क्रिस्पी और मतलब एमी लग रहा है देखने में, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चलिए हम इसे अलग ट्रांसफ़र करके आपको मैं सर्व करके देखिए। हमारी मटर की कचौड़ी एकदम रेडी हो चुकी है और मैंने उस पर हरे मिर्च फ्राई करके डाल दिया। और मटर की कचौड़ी के साथ अगर फ्राई किए हुए मिर्च हो तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।